प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिक संशोधन एक्ट के खिलाफ जो देशव्यापी आंदोलन चलाया उसी के अंतर्गत आज पंजाब में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने बताया कि कांग्रेस 3 दिसंबर तक लुधियाना के सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसमें सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह, पंजाब प्रभारी आशा कुमारी, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के सीनियर नेता शामिल होंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीर्तन करने के लिए भेजे जाने वाले रागी सिंह जत्तों के बारे में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 6 जनवरी को अंतिम निर्णय करेगी। पंजाब सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2019-20 के दौरान 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन वितरित करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया है। नए साल से 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के सभी जिलों में आरटीओ कार्यालय में सुबह से छापामारी चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शाम तक रिपोर्ट मांगी है। सीएम फ्लाइट्स की टीम ये छापेमारी कर रही है। इसका नेतृत्व सीआईडी चीफ अनिल राव कर रहे हैं। हरियाणा के सरकारी व निजी स्कूल अब शीतकालीन अवकाश के बाद 16 जनवरी 2020 को खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने शीतलहर के कारण 30 व 31 दिसंबर को भी छुट्टी घोषित कर दी है। भिवानी रोड पर ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे 8 लोगों में से 6 को अनियंत्रित सरकार ने रौंद दिया, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। School.